ये दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल न्यू 2021 महिंद्रा XUV 700. आज दोस्तों इसका डिटेल में पूरा आपको वॉकराउंड देखने को मिलेगा. इससे पहले मैंने AX7L का भी डिटेल्ड वॉकराउंड किया है, अगर आपको उसको भी चेकआउट करना है तो लिंक मैंने नीचे लगा दिया है. मैं मीडिया सिस्टम साउंड चेक का भी लिंक लगा दूंगा, वो भी चेक कर लेना अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं चेक किया है. अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट करिए और इस शानदार ऑफरिंग का मज़ा लीजिए. नियरेस्ट महिंद्रा शोरूम में गाड़ी आ चुकी है, टेस्ट ड्राइव्स आपकी चालू हो चुकी हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिए. पहले यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए गाड़ी के बारे में और फिर शोरूम चले जाइए इसको अपने सामने से महसूस करने के लिए, फील करने के लिए. इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी गाड़ी की बात हो रही है इंडिया में तो वो शायद यही होगी XUV 700. अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर देना. अब देखिए इस वीडियो में मैं आपको इतना कोई पूरा डिटेल वॉकराउंड नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं पूरा मॉडल डिटेल में दिखा चुका हूँ एक्सटीरियर से, तो वैसे ही पूरा एक्सटीरियर आपको इधर देखने को मिलेगा जो आपने AX7L में देखा था. लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं सारे फीचर स्पेक्स भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लगेगा. इधर इसका जो पूरा फ्रंट प्रोफाइल है मैं आपको क्लोज व्यू दे देता हूँ. इसको तो जितनी बार देखो उतना ही अच्छा लगता है जब भी देखो इसको. अभी मैंने पहला वाला वीडियो जो करा है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, तो वो ज़रूर चेक कर लेना. हेडलैम्प्स पुराने वाले वीडियो में सबने अपने जो बोल सकते हैं कि जो अपने व्यूज़ थे वो शेयर किए थे ईमेल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो काफ़ी अच्छा लगा है लोगों को. ये हेडलैम्प एरिया बहुत ही एनलार्ज्ड फॉर्म में लगता है जैसे कि पूरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. वैसी इसकी ग्रिल है और इसमें आपको ऑल न्यू महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलती है. बहुत ही अच्छी सी ये ब्रांडिंग है, पूरा आपको एक इंटरनेशनल वाला फीलिंग दे देगी, एक इंटरनेशनल ब्रांड की फीलिंग दे देगी. इधर आप अपना फ्रंट कैमरा चेक कर सकते हो, बहुत सारे कैमरे आपको मिलेंगे एक्सटीरियर में. अभी मैं एक एक करके पूरे आपको चेक कराऊंगा. ग्रिल का मैं फ्रंटल व्यू फिर से दे देता हूँ. ये देखिए जी फ्रंट ग्रिल, बहुत अच्छा सा फील देती है ये. चलते हैं और इधर से भी पूरा मैं दिखा देता हूँ. ये आप ड्राइवर साइड देख रहे हो और आपके फॉग लैंप्स भी चेकआउट कर रहे हो. ये आपके फॉग लैंप्स हो गए. बोनेट पूरा इधर देख लीजिए, हर चीज़ आपको बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज दिखेगी. अब इसका साइड प्रोफाइल मैं आपको चेक करा देता हूँ. बहुत अच्छी सी स्पेस इधर अवेलेबल है, तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक एंगल आपको एनहांस्ड फील मिल जाए. ये इसका साइड प्रोफाइल चेक कर रहे हो आप ऑल न्यू XUV 700 का. की दिखाने का भी टाइम आ गया है, तो रिमोट कीज़ हैं इधर देखते हैं आप. तो लॉक अनलॉक बटन और बूट ओपनर प्रोवाइड किया गया है. रख लेता हूँ वापस और चलते हैं पास में. दोस्तों जो भी इसके स्पेक्स फीचर्स हैं एज अ होल सारे आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, तो ज़रूर विजिट करिएगा. MRF के टायर्स देखने को मिलेंगे, साइज़ है 235/60 R18. पूरी व्हील आर्च क्लैडिंग है, साइड्स तक जाती है. ORVMs की बात करते हैं तो डुअल फिनिश पे इंडिकेटर इंसर्ट. इधर से ये कैमरा देख रहे हैं आप, जिसमें फ्रंट में बोला था आपको ना, तो बहुत सारे कैमरे 360° फंक्शनिंग के प्रोवाइड करे गए. डोर हैंडल्स तो ऑब्वियसली अलग हैं, बहुत ही बढ़िया से ये देखिए स्विफ्ट पूरी ओपनिंग क्लोजिंग, कोई दिक्कत नहीं है. बढ़ते जाते हैं पीछे की तरफ तो आप डोर लाइन में देखोगे पूरा आपको सिल्वर फिनिश पे ये बीडिंग दिया गया है और इधर से थोड़ा सा बैक प्रोफाइल भी दिख रहा है. इसको चेक कराने से पहले जो अदर साइड है वो मैं पूरा व्यू देना चाहूँगा. इधर से अदर साइड पूरा देख सकते हो आप, हर एक एंगल से आपको गाड़ी दिखनी चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा. बैक की बात करते हैं तो हाई स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, रियर वाइपर है, ऑल न्यू ब्रांडिंग चेक कर रहे हो महिंद्रा की, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स. ब्रांडिंग में देखते हैं तो XUV 700 और AX7 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी. टेल लैंप्स भी कुछ अलग से डिज़ाइन, एरोफॉर्म डिज़ाइन, LED का बहुत अच्छा यूसेज और बहुत अच्छी सी स्पेस इतने इधर कवर करके रखी है. आपको दोनों में से कौन से अच्छे लगे, टेल लैंप्स अच्छे लगे कि हेडलैंप्स अच्छे लगे कि दोनों अच्छे लगे, ज़रूर बताना, अपने व्यूज ज़रूर शेयर करना. अब बूट खोलने का टाइम आ गया है और अंदर की स्पेस चेक करा देता हूँ. तो इधर आप देखते हैं थर्ड रो फोल्डेड है और बहुत सारी स्पेस इधर ओपन हो गई है. अगर आपको पीछे बैठाना है किसी को तो अपनी आप आराम से सीट फोल्ड कर सकते हो, वापस से मतलब कि ओपन कर सकते हो और आपके पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं. इधर देखते हैं तो स्पेसेस दी गई हैं आपको, कप होल्डर्स दिए गए हैं दोनों साइड पे, वेंट्स हैं, फैन कंट्रोलर दिया गया है पूरा रोटरी नॉब फॉर्म में और पूरी है पियानो बोल सकते हैं कि क्रोम फिनिश के साथ बॉर्डरिंग्स आती हैं. 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइड करा गया, तो चार्जिंग के लिए भी ख्याल रखा गया है थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए और सेफ्टी हैंडल्स हो गए थर्ड रो के लिए. अब मैं इसको बंद करना चाहूँगा. ये हो गया इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल. अब चलते हैं जो इसका इंटीरियर है उसके बारे में बात करेंगे. और इधर भी आप पहले देख लो जो आपका कैमरा है, तो ORVMs दोनों मैंने चेक करा दिए हैं, पीछे चेक करा दिया है, तो 360° फंक्शनिंग के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं. इंटीरियर्स में मैं आ गया हूँ
इधर से डैशबोर्ड आप देख रहे हो। मैंने पहले वीडियो में आपसे बोला था कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा किसी इंडियन कंपनी की गाड़ी में, लेकिन महिंद्रा ने ये करके दिखाया और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत आपको एक बहुत ही बढ़िया सी फीलिंग दे देगा ये। पहले डोर्स की बात कर लेते हैं, तो इधर आपका मेमोरी फंक्शन दिया गया है सीटिंग के लिए, 3 मेमोरी दी गई, बस प्रेस करो, सीट आपकी डिज़ायर्ड जो आपकी सेव्ड मेमोरी होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। बार बार आपको इन लीवर्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इन बटन्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सोनी के स्पीकर सिस्टम प्रोवाइड करा गया है, सोनी का स्पीकर सिस्टम मिलेगा, इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। उसके लिए मिरर सिस्टम साउंड चेक लगा हुआ है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। और ये पूरा जो वुडन टच है वो आप देख सकते हो, वुडन फिनिश पूरी कैसी लग रही है वो भी अपने बता देना थॉट्स। इसके साथ में आपके वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, डोर लॉक अनलॉक है, विंडो लॉक है, ज़रूरत के जितने बटन से प्रोवाइड करे गए। और इधर आप देखते हैं आपके डोर पॉकेट्स देखने को मिलेंगी। अब सीट्स भी चेक कराने का टाइम आता है, तो हेडरेस्ट एडजस्टेबल ऑब्वियसली, और सीट्स का पूरा मैंने फंक्शनिंग दिखा दिया आपको, डोर पे दिया गया सीट क्वालिटी पूरी इधर से व्यू कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इधर आपको सीट एयरबैग्स भी मिलते हैं, तो एयरबैग का ब्रांडिंग आप देख रहे हो, तो ऐसे वैसे कोई भी इसमें सीट कवर्स मत लगा लीजिएगा, कंपनी से ही लगवाइएगा। ये देखिए एयरबैग इसमें सीट में भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बाहर से ज़रूरत की जितनी बात हो गई है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी तक आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, आपका सपोर्ट मिलता है तो हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। चलिए चलते हैं अंदर, अंदर बैठकर आपसे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, AX7 वेरियंट के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। इधर दोस्तों जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे बोला था, अगर आपने वाला वीडियो भी चेकआउट किया है ना, तो अंदर आके आपको एक अलग ही वाला फीलिंग आने वाला है। इस केबिन के अंदर आकर बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैंने उसमें बोला था, प्राउड वाला फीलिंग आएगा कि आप एक इंडियन कंपनी की गाड़ी में बैठे हुए हो और ये मेड इन इंडिया गाड़ी आप देख रहे हो। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको इंटीरियर चेक कराया, तो वैसे ही कुछ आपको इधर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको इधर भी बता देता हूँ। अपर पार्ट पूरा चेक कर सकते हो आप, अच्छी खासी स्पेस दी गई है। ये जो पूरा सिंगल यूनिट मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मीडिया सिस्टम का, इस केबिन की जान है मेरे हिसाब से। इसको जो एक बोल सकते हैं लाइवलीनेस दे रहा है, वो शायद इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मिलती है। ये आप हाई एंड गाड़ियों में देखते थे, लेकिन अब आपको ये महिंद्रा की XUV700 में देखने को मिलेगा। क्लस्टर पर आ जाते हैं, तो इधर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं जब पिछली बार कर रहा था, थोड़ा सा लाइट बहुत ज़्यादा था, सनलाइट बहुत ज़्यादा था, शायद उतना अच्छे से व्यू आपको नहीं मिला होगा, लेकिन इधर आप देख सकते हो, जैसे मैं आपसे बोल रहा था पहले भी कि ये नहीं है खाली कि यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले देना था, बस दे दिया है, लेकिन जो क्वालिटी है ना वो आपको किसी भी एक हाई एंड गाड़ी से आप कंपेयर कर सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इधर प्रोवाइड करी गई है। एक एक इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल क्रिस्प व्यू के साथ ले सकते हो, बहुत अच्छे से आपको ज़रूरत की जितनी भी इन्फो है मिलेगी। और पूरे अंदर ये पियानो इफेक्ट आता है, जो पियानो ब्लैक फिनिश है, ये देखते ना पियानो ब्लैक फिनिश, और इधर आपका पूरा जो ये सिल्वर इंसर्ट है, इसको बिल्कुल एक नंबर वाला लुक एंड फील दे देता है। बाकी अगर टॉगल्स की बात करते हैं, तो वाइपर का है इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल है, नॉर्मल चीजें हैं हलक बखार गाड़ी में आप देखते हो। स्टीयरिंग पे आते हैं, तो महिंद्रा का ऑल न्यू ब्रांडिंग, इधर आपका क्रूज कंट्रोल और आपका जो MID कंट्रोल, वो सब आप कर सकते हो। इधर मीडिया कंट्रोल्स हैं, म्यूट है, वॉल्यूम है, कॉल कनेक्ट, कॉल डिसनेक्ट है, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें ड्राइवर को हैं कि उसको डिस्टर्ब ना हो राइडिंग के समय, वो सारी आपको इधर मिलेंगी। साइड्स में आते हैं, तो AC विंस का डिज़ाइन चेंज्ड मिलेगा सेंटर से, और ये देखिए पूरा जो मैचिंग दिया गया ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये वुडन फील पूरा दिया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट है, ऑटो ऑन ऑफ है, और आपका जो बोल सकते हैं हेडलैम्प एडजस्टर, वो आपको दिया गया है इधर प्रोवाइड करेंगे बटन, ये आप चेक कर सकते हो। शायद अभी पहले रोशनी नहीं आ रही थी, मैंने थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट किया है, तो इधर ये सब जरूरत की चीजें आपको प्रोवाइड करी गई हैं। तो ये दोस्तों था इसका ड्राइवर साइड, जो मैंने पूरा चेक करा दिया है। मैं आ जाता हूँ सेंटर में, जहाँ पे मैं मीडिया सिस्टम चेक कराने वाला हूँ आपको। पिछली बार मैंने इसका पूरा आपको डिटेल्स दे दिए थे। इसका टच बहुत अच्छा था, अगर आपको याद हो मैंने पुराने वीडियो में बोला था, बहुत बढ़िया सा क्रिस्प टच आपको मिलने वाला है इधर। इसके दोस्तों जो भी फीचर्स है ना, एज अ होल पूरे आप नीचे पढ़ पाओगे डिस्क्रिप्शन में जाके, तो मेक श्योर कि मिस मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा सारे। इसका साउंड चेक भी जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो साउंड का भी आपको आइडिया लगने वाला है मीडिया सिस्टम साउंड चेक के नाम से। सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको सेटिंग्स चेक करा देते हैं इस वाले सिस्टम में भी, AX7 मॉडल में। तो जनरल है, डिस्प्ले है, डेट टाइम है, ऑडियो है, यूजर इनपुट है, व्हीकल, फोन, वाईफाई, इकोसेंस और एलेक्सा इनेबल्ड सिस्टम ये मिलेगा। अब मैंने एलेक्सा बोल दिया है, तो एलेक्सा चालू हो जाएगा, तो इससे पहले ही मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा। तो इसको मैं वापस जाता हूँ होम पे, और ये बहुत अच्छा सा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार भी आपको इसमें मिलेगा, जो आजकल सबसे पहले लोग पसंद करते हैं, सबसे पहले लोग पूछते हैं। साथ में फ़ोन, नेविगेशन, एप्लीकेशंस, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। कार्ड्स फॉर्म में ये दिए गए, और बहुत ही स्विफ्ट टच के साथ ये सब चीज़ें आती हैं। नीचे आते हैं, तो पूरा अपने AC विंस चेक कर सकते हो, सिल्वर बॉर्डरिंग के साथ मिलते हैं, डिज़ाइन चेंज मिलेगा साइड से, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया।
अब एसी तो आपको ऑब्वियसली कि ऑटोमेटिक एसी तो मिलना ही मिलना, उसमें कोई बट नहीं है, बाकी डिफॉगर्स की बटन आपकी हैं और रोटरी नॉब दो इधर दी गई है, मैक्स कूल का फंक्शन भी मिलता है, मैक्स एसी का फंक्शन मिलता है, सेवरल कंट्रोल्स आपके इधर भी आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे कि 360 डिग्री फंक्शनिंग है, साथ में स्क्रीन सेवर ऑन ऑफ है, ड्राइव मोड्स हैं। तो ये देखिए 360 फंक्शनिंग के लिए मैंने ऑन करा थोड़ा सा, तो आपको आइडिया लग रहा होगा इसको बंद करना है, तो आप इधर से वापस से प्रेस कर दो, ये बंद हो जाएगा। और ये एक फंक्शन आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आप देखते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज रहती है, बहुत बढ़िया रहता है अगर आप टाइट स्पॉट्स में हो। इसके साथ में आपके एयरबैग्स के कंट्रोल बटन है, हैजार्ड है, ये सब जितनी भी जरूरत के फंक्शनिंग होती पूरी दी गई है। यूएसबी इधर आपको मिलती है, चार्जिंग यूएसबी दी गई है। मैनुअल गाड़ी है तो 6-speed गियरबॉक्स दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, और इधर से मीडिया सिस्टम की फंक्शनिंग जैसे आप किसी लग्जरी गाड़ी में देखते हो, जैसे कि आपसे मैं बोल सकता हूँ कि BMW में आप जैसे देखते हो आई ड्राइव कंट्रोल्स बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ आपको इधर भी देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार सी रोटरी नॉब, जरूरत की 4 बटन्स, म्यूजिक, होम, स्टार और आपका जो कॉलिंग का है, और ये पूरा रोटरी नॉब दिया गया है। जिस भी ऑप्शन में जाना है देखिए लाइटेड होता है, फिर जिसमें एंटर करना है उसमें आप जा सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया सी सॉफ्ट सी स्विफ्ट सी फंक्शनिंग मिलेगी। इसके साथ आपका जो आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल दिया गया है, स्टिच फिनिश मिलती है, अंदर की स्पेस चेक कर लो, अच्छी खासी ठीक ठाक स्पेस निकाली गई है। को ड्राइवर साइड आते हैं तो कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छी सी स्पेस इधर भी आपको दी गई। अब गाड़ी इतनी ज्यादा ह्यूज है तो स्पेसेस तो इसमें निकली आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके साथ आपको वैनिटी मिरर मिलता है इसमें, लेकिन मेरे को लाइट नहीं दिख रही, लाइटेड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, और इधर वैनिटी मिरर तो प्रोवाइड करा ही नहीं गया है। दो आपको केबिन लैंप सेपरेटली स्विचेबल मिलेंगे, इसके साथ में सनग्लास होल्डर प्रोवाइड करा गया है, सनरूफ कंट्रोल्स इधर आप देख सकते हो, ये आपकी स्काई रूफ बल्कि इसमें बोलते हैं, तो स्काई रूफ कंट्रोल्स देख सकते हो, इधर से ये आपकी ऑपरेट हो जाएगी। तो दोस्तों इधर मैंने सेंटर का जितना इन्फॉर्मेशन था दे दिया है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। सारे फीचर स्पेक्स एज अ होल आपको नीचे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, तो ये सब आपकी रिकमेंडेशन पे ही हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, वहां बैठकर बात करेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। आप देख रहे हैं सेकंड रो ऑफ सीट्स, सबसे पहले हेडरेस्ट चेक कराऊंगा, ये आपको एडजस्टेबल दिए गए दोनों, बीच वाला नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट भी देखना बनता है, तो कप होल्डर्स प्रोवाइड करे गए हैं, अच्छी बात है ये। 60-40 स्प्लिट पूरी सीटिंग मिलने वाली है, और इधर आपके लीवर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी सीट। इसके साथ अगर डोर की बात करते हैं तो डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, और इधर वही वुडन फिनिश आपको मिलती है जो आपने आगे देखी थी, और बाकी वही आपके तीन कॉम्बिनेशन जनरली आप बोल सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठ कर बात कर लेते हैं, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी के अंदर आकर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था, बहुत बढ़िया वाली फीलिंग आपको आएगी। इधर देखते हो आप तो एसी वेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं रियर के लिए, और पीछे वाले मैंने आपको वेंट्स चेक करा दिए थे, एक चार्जिंग यूएसबी दी गई है, पीछे भी दी गई है, तो कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रियर में केबिन लैंप पूरा मिलेगा दोनों साइड पे, ये देखिए स्काई रूफ मैंने चेक करा दी थी, सेफ्टी हैंडल्स हो गए, तो ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी आपको चाहिए होती हैं सेकंड रो में वो सारी आपको अवेलेबल कराई गई हैं। इसके साथ में ये देखिए जो आपने सफारी में देखा था ना बॉस मोड, वैसे ही कुछ आपको इधर भी देखने को मिलता है, तो अपना आप पीछे से ही सीट मूव कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया सा फीचर है ये, मुझे बहुत पसंद है। अब आ जाता हूँ मैं सेंटर में, और इसका जो डैशबोर्ड है वो दोस्तों आप बताना कि कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया सी फीलिंग आती जब इसको देखते हैं। आपके थॉट्स और आपके व्यूज जानना हमेशा ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हम लोगों के लिए, आप अगर अपने कुछ और इसमें थॉट्स देना चाहते हो तो वो ज़रूर शेयर करना, हमेशा हम लोग ओपन हैं आपसे शेयर करने के लिए, आपकी बातें कंपनी तक शेयर करने के लिए, तो आपके भी थॉट्स मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलती है। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा, ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमेशा मैं आपसे ये बात बोलता हूँ, id@gyaninough है, लिंक सारे नीचे लगे हुए हैं, चेक कर लेना। अपना प्यार अपना सपोर्ट बस दोस्तों ऐसे बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।